पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 137वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त अंजनेय कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष शैलेश कुमार, सचिव अंजू लता, बोर्ड के सदस्य राजू कालरा और विकास जैन, अपर नगर आयुक्त के साथ बोर्ड की बैठक में कर्मचारी उपस्थित रहे। आम चुनावों के बाद प्राधिकरण की पहली बैठक में तय हुआ कि गांव रसूलपुर सुलवाती में सर्किल दर के 4 गुना सहमति से लगभग 225 एकड़ भूमि प्राधिकरण खरीदेगा, जिसके लिए बोर्ड से सहमति मिल गई। तो वहीं विकास प्राधिकरण में तैनात दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए भी बोर्ड की बैठक में बड़ा तोहफा मिला। प्राधिकरण के दैनिक भोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के साथ प्राधिकरण की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर पहले आओ पहले पाओ की नीति पर मकान आवंटित किए जाएंगे। समृद्धि विहार दिल्ली रोड पर 2 मंजिला तथा अमृत कुंज के 4 मंजिला मकानों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर जनता को दिए जाने पर भी सहमति दी गई। तो 37वीं बोर्ड बैठक आज आदरणीय मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न हुई है। आम चुनावों के बाद में पहली बैठक थी, इसमें जो है कई सारे मुद्दे आज यहाँ पे रखे गए, जिसमें से मुख्य रूप से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी जो शिवालिक योजना है वो 1250 हेक्टेयर में आ रही है, जिसमें एक रसूलपुर सुनवाती गाँव है, उसमें करीब 91 हेक्टेयर नई जमीन आपसी सहमति से क्रय की जानी है। तो उसकी दरें जिलाधिकारी महोदय के स्तर से घोषित कराई गई थी, उनका अनुमोदन आज बोर्ड की बैठक में किया गया। इसके अलावा हमारी जो 2 योजनाएं हैं जिनमें हमारे पास बहुमंजिला मकान अवेलेबल हैं, उनमें जो है काफ़ी लोगों के द्वारा ये डिमांड की जा रही थी कि वो अपनी पसंद का मकान लेना चाहते हैं, तो इसलिए आम जनता की सुविधा के लिए उन मकानों को और अच्छी च्वाइस सबको उपलब्ध हो उसके लिए उनको जो है पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर उपलब्ध कराए जाने के लिए हमारी जो समृद्धि विहार योजना है, अमृत कुंज योजना है, उन दोनों योजनाओं में जो मल्टी स्टोरी मकान है उनको पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आज माननीय बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया गया। उसके अलावा हमारे जो कर्मचारी यूनियन के लोग हैं उनके द्वारा काफ़ी समय से जो है ये मांग की जा रही थी कि उनकी जो पारिश्रमिक है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए महंगाई को देखते हुए, तो उसमें भी जो है माननीय बोर्ड द्वारा हमें पूर्व में निर्देश दिए गए थे, तो उसके क्रम में भी आज जो है जो हमारे दैनिक वेतन कार्मिक हैं उनकी जो पारिश्रमिक है उसमें वृद्धि का भी प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी प्रकार से माननीय मंडलायुक्त महोदय द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे यहाँ पर नदियाँ हैं रामगंगा और गांगन, दोनों नदियों के किनारे एक कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे प्राधिकरण या नगर निगम हो, चारों विभाग मिलकर के वहाँ पर एक अभियान चला करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में वहाँ पर तत्काल जो है उसको खाली कराए जाने के लिए और शासन की मंशा के अनुरूप जो है वहाँ पर विकास कार्य कराए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो ये 137वीं बोर्ड बैठक थी वो आज माननीय मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर संपन्न हुई है। इसमें हमारे माननीय जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह जी, इसके अलावा जो हमारे बोर्ड के अन्य मनोनीत सदस्य हैं श्री राजू कालरा जी, श्री विकास जैन जी, और इसके अलावा जो सचिव वित्त और सचिव सिंचाई के जो प्रतिनिधि हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहे और ये बैठक जो है एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।